झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ के आसार बन रहे हैं। 9 जिलों में ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं जिससे राज्य का कृषि विभाग चिंतित है। कृषि विभाग की नजर अगले कुछ दिनों में होने वाले बारिश पर है, जिसके आधार पर विभाग आगे कदम उठाएगा। से आने और अब तक हुई बारिश से फिर से सुखाड़ के लक्षण दिखने लगे हैं। कृषि विभाग के माने तो 15 जुलाई तक हुई बारिश को आधार माने तो राज्य के 9 जिलों में सुखाड़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्री बादल का कहना है कि इस स्थिति पर विभाग की नजर है, सरकार 15 अगस्त तक इसका आंकलन करेगी। जो देखिए, शुरू से जो हम लोग अनुभव के आधार पे करते हैं, 15 जुलाई तक बरसापात का वेट करते हैं और 15 अगस्त तक प्लांटेशन का वेट करता है। तो आप देख रहे हैं कि 9 जिलों में बिल्कुल सुखाड़ से स्थिति है और जिलों में एवरेज से कम बारिश है। अब पिछले साल भी हम लोगों ने इस चीज़ को हैंडल किया है, इस साल मानसून लेट से आया है और अभी भी वक्त है, दो नक्षत्र जो घर गांव की भाषा में कहते हैं। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन औसत से कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग इसको लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवा रहा है, इसके आधार पर सुखाड़ को लेकर सरकार निर्णय लेगी। ये दिया गया है और भी कुछ जिलों से किसानों ने फोन किया कि मेरा जिला नहीं है, बारिश यहाँ बिल्कुल नहीं हुई है। तो हम कहेंगे अभी हम लोग व्यापक इसका ये कर रहे हैं कि पंचायत वाइज डाटा हम लोग कर लें, वर्षा मापी यंत्र भी पंचायत वाइज का हम लोग निकाल रहे हैं कि ताकि किस यूनिट अभी प्रखंडों को माना जाता है, जिसके कारण इस तरह की बातें आती है। जब हम पंचायतों तक चले जाएंगे तो माइक्रो लेवल पे ये बातें आएगी कि वर्षा सही में कितना अनुपात हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे सामने चुनौती है, जिसको धीरे धीरे जब हम अनुभव कर रहे हैं तो उसको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि किसानों के साथ किसी तरह अन्याय नहीं हो। झारखंड पिछले साल भी सुखाड़ का दंश झेल चुका है, ताजा हालात भी सही संकेत नहीं दे रहे हैं, जिसने सरकार के साथ किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कैमरामैन राजा के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।